प्रोजेक्ट महाभारत को लेकर अभी भी क्यों संशय में है मिस्टर परफेक्शनिस्ट? क्या आमिर फिल्म नहीं बनाना चाहते? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म महाभारत के बारे में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले आमिर फिल्म बनाने के मूड में नजर आ रहे थे और अब आमिर OTT प्लेटफॉर्म पर महाभारत को वेब सीरीज के तौर पर लाने के मूड में दिख रहे हैं। उनके इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बनाने की बात वैसे तो 4-5 सालों से चल रही है और अब बताया जा रहा है कि आमिर ने देश में मौजूद OTT प्लेटफॉर्म्स में से एक नेटफ्लिक्स से अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की है। आमिर खान की पीरियड फिल्मों की असफलता को देखते हुए नेटफ्लिक्स जैसा OTT प्लेटफॉर्म उनके इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करने में थोड़ा कतरा रहा है। और फिल्म को लेकर मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों है हैरान? दर्शक भी फिल्म के इंतजार में हो रहे हैं परेशान। नेटफ्लिक्स के साथ आमिर अब तक क्या बातचीत कर चुके हैं? क्या नेटफ्लिक्स आमिर के इस प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहते हैं या वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना चाहते हैं? सूत्रों की माने तो नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव टीम से महाभारत को लेकर कई चर्चाएं हो चुकी हैं आमिर की। इन बातों में आमिर की पीरियड फिल्मों पर भी चर्चा चली। वैसे तो एक्टर ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि मंगल पांडे लगान, मगर मंगल पांडे के किरदार में आमिर दर्शकों को कुछ खास जचे नहीं। उनकी यह बड़ी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ही उठा लीजिए, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और बहुत ज्यादा फ्लॉप रही। इतना ही नहीं, इसके बाद आमिर एक फिरंगी के किरदार में नजर आए, मगर दुर्भाग्यवश पब्लिक को उनका यह अंदाज भी कुछ खास रास नहीं आया। ऐसे में महाभारत एक मेगा बजट प्रोजेक्ट है और अगर इस प्रोजेक्ट में जरा सी भी चूक हुई या फिर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की इमेज पर सवाल तो खड़े होने ही हैं और साथ ही इनकी ब्रांड वैल्यू भी बुरी तरह प्रभावित होगी और खतरे में पड़ जाएगी। प्रोजेक्ट पर आमिर की राय लगातार बदलती रही है और इस बदलते मूड को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आमिर से हाथ मिलाने में थोड़ा सा डर रहे हैं, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं। दरअसल आमिर शुरुआत में ही इस प्रोजेक्ट को फीचर फिल्मों की फ्रेंचाइजी के तौर पर डेवलप करना चाहते थे, मगर अब उनका मन एक बार फिर से उन तमाम तरह की शंकाओं से शिकार हो गया है। अब उन्हें लगता है कि फीचर फिल्म में उनकी बनाई कहानियों के साथ वैसा सलूक नहीं किया जाएगा जैसा किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अब इस प्रोजेक्ट को मल्टी सीजन के तौर पर एपिसोड्स के रूप में बनाने की इच्छा जताई है। उलझी उलझी सी नजरें आती हैं आमिर की महाभारत कहीं उलझने के लिए उलझी रह गई उसी महाभारत। आमिर खान अपने प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे और इसका कारण निर्माण करना उन्हें डूबता हुआ और जोखिम का सौदा लग रहा है। अब देखना यह है कि आमिर अपने प्रोजेक्ट को लेकर आगे क्या फैसला लेते हैं। किंग खान और अनुष्का शर्मा जैसे स्टार्स तो पहले ही OTT प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर चुके हैं, वहीं सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी भी OTT प्लेटफॉर्म से अछूती नहीं रही, मगर आमिर ने अभी भी OTT प्लेटफॉर्म से दूरी बनाई रखी हुई है। इनकी प्रोडक्शन कंपनी OTT प्लेटफॉर्म पर फिलहाल कुछ भी नया नहीं कर रही। आमिर और अनुष्का ने मिलकर साल भर पहले माँ आनंद शीला पर एक सीरीज बनाने की चर्चा की थी, मगर आमिर की कंपनी इसके बारे में कोई भी कदम उठाती उससे पहले कि हॉलीवुड स्टार और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने इस प्रोजेक्ट को अपने अंडर ले लिया। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या आमिर खान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को लेकर आएंगे या अपने इस सपने को अधूरा ही छोड़ देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगले वीडियो में किस फिल्म या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट ऋचा राय ने लिखी है।